आईआईटी रुड़की के छात्रों का दल पहुंचा गौमुख, लोगों को स्वच्छता और निर्मल गंगा के प्रति किया जागरूक। वहीं रुड़की में ट्रेन की पेंटिंग बनाकर स्वच्छता की मुहिम को बढ़ाया जा रहा आगे। और पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि आज, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि। वहीं कोटद्वार में मैराथन दौड़ का भी किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राज्य के 12 जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 44 प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इनमें 6 आईएएस, 23 पीसीएस समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं देहरादून जिले में चकराता ब्लॉक की 50 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां एक दिन पहले रवाना होंगी। 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में देहरादून जिले के डोईवाला और रायपुर में 5 अक्टूबर, सहसपुर और कालसी में 11 अक्टूबर व चकराता और विकासनगर में 16 अक्टूबर को मतदान होगा। मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत ने बताया कि चकराता ब्लॉक के 50 से अधिक पोलिंग बूथों पर पार्टियों को 5 से 6 किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी होगी, इसलिए इन स्थानों पर जाने के लिए पार्टियों को एक दिन पहले ही रवाना किया जाएगा। वहीं पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर वितरण का कार्य भी शुरू हो गया है। पंचायत सदस्य के लिए बैलेट पेपर का रंग सफेद, ग्राम प्रधान का नीला, क्षेत्र पंचायत सदस्य का हरा और जिला पंचायत सदस्य का बैलेट पेपर लाल रंग का है। आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदान करने वाले कार्मिकों को अवकाश देने के भी निर्देश दिए हैं। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 11 जगहों पर आज छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने सहारनपुर में रेत खनन पट्टों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर छापा मारा है। सीबीआई ने सहारनपुर, देहरादून और लखनऊ में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सरकार ने खनन के लिए ई टेंडर का आदेश दिया था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने ई टेंडर की जगह खुद से ही खनन का आदेश कर दिया, जिसमें हमीरपुर की उस समय की डीएम रही बी चंद्रकला का भी नाम है। इस मामले में ईडी ने भी केस दर्ज किया था और बी चंद्रकला को पूछताछ के लिए बुलाया था। खनन मामले में सीबीआई आईएएस बी चंद्रकला के यहां छापे की कार्रवाई भी कर चुकी है। इससे पहले गायत्री प्रजापति के यहां भी सीबीआई की रेड हुई थी। 2012 से लेकर 2016 के बीच का ये पूरा मामला है। 4 अक्टूबर को देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच पटरी पर दौड़ेगी। हम बात कर रहे हैं तेजस की। मुंबई गोवा के बाद ये दूसरी तेजस है जो लखनऊ से दिल्ली मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चला करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। भारत की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस शुक्रवार से लखनऊ से दिल्ली के बीच पटरियों पर रफ्तार भरेगी। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन यात्री इस ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली का सफर महज 6 घंटे 15 मिनट में तय करेंगे। ये ट्रेन बीच में सिर्फ कानपुर और गाजियाबाद में ही रुकेगी। पूरी तरह से वातानुकूलित इस ट्रेन में 56 सीटों वाला एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 78 सीटों वाली 9 चेयर कार होंगी। इस ट्रेन की बुकिंग यात्री IRCTC वेबसाइट और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के जरिए कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन या फिर रिजर्वेशन काउंटर पर इस ट्रेन की टिकट उपलब्ध नहीं होगी। साथ ही इस ट्रेन में टिकट की एडवांस बुकिंग केवल 60 दिन पहले ही हो सकेगी। आम रेलगाड़ियों की तरह इस ट्रेन में कोई तत्काल सेवा भी लागू नहीं होगी। ऑनबोर्ड यात्रियों के लिए इंफोटेनमेंट की सुविधा के तौर टैब और ईयरफोन दिया जाएगा। यात्रियों के पास ज्यादा सामान होने पर उनके घर से ट्रेन तक सामान मंगवाने और पहुंचाने की भी व्यवस्था होगी। पर्यावरण का ख्याल रखते हुए इस ट्रेन को प्लास्टिक मुक्त रखा गया है। जो पानी की रेल नीर बोतल है वो भी बायोडिग्रेडेबल होंगी, जिनका रासायनिक विघटन संभव है। हवाई जहाज की तरह इस ट्रेन की हर सीट के ऊपर एक बेल लगी होगी, जिसके जरिए यात्री कैटरिंग स्टाफ को बुला सकेंगे। यात्री किराए की अगर बात करें तो बेहतरीन सुविधाओं के मद्देनजर इसका भाड़ा 10% ज्यादा रखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर जनता दर्शन हॉल सीएम आवास में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि खून के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ब्लड बैंकों तक आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की भी पहुंच बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में औसतन प्रतिवर्ष 80,000 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, जबकि यहां 1,00,000 यूनिट रक्तदान हर साल किया जा रहा है। इस तरह हम रक्तदान में सरप्लस स्टेट हैं। दूसरे
उन राज्यों में भी मदद कर सकते हैं जहां ब्लड की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर जिले में ब्लड बैंक है। राज्य में 25 सरकारी और 17 गैर सरकारी ब्लड बैंक हैं। इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश की डॉक्टर गीता नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान के साथ ही सुरक्षित रक्तदान भी जरूरी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रक्तदान में महत्वपूर्ण योगदान करने वालों को भी सम्मानित किया। रक्तदान शिविर का आयोजन स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा किया गया। स्वच्छता की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए रुड़की में लोगों को पेंटिंग के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस ओर भागीरथ बीइंग संस्था द्वारा नगर निगम रुड़की क्षेत्र में दीवारों पर पेंटिंग बनाई जा रही है। इन दिनों कूड़े के निस्तारण को लेकर गंगा घाट पर स्वच्छता का संदेश देने के लिए 8 बोगी वाली ट्रेन की पेंटिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्वच्छता को लेकर इसमें अलग अलग संदेश लिखे गए हैं। स्वच्छता एक्सप्रेस नाम से हमने एक बिंग भगीरथ संस्था है, उसके माध्यम से हमने ये बनवाया है यहाँ पर। तो ये इसीलिए है कि अब लोग जुड़ें और खुद की भी जिम्मेदारी समझें कि स्वच्छ रखना है जो शहर को, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारा अपना शहर है तो इसको हमें स्वच्छ रखना है। वहीं भागीरथ बीइंग के संयोजक शिखर पालीवाल ने बताया कि जागरूक अभियान के माध्यम से लोगों को कूड़े का निस्तारण करने की विधि समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम रुड़की के तत्वाधान में एक मुहिम है जिसमें हम रुड़की के जितने भी स्थान हैं, जो ऐसी जगह हैं जहां पर लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, उन कूड़ा कचरा को खत्म करने के लिए हमने स्वच्छता एक्सप्रेस की शुरुआत की है। स्वच्छता एक्सप्रेस में अलग अलग बोगियाँ हैं, अलग अलग बोगियों में हम कूड़ा प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, कचरा प्रबंधन की बात कर रहे हैं और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको खत्म करने के लिए जो पूरे देश में मुहिम चल रही है वो हम दीवारों पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का आधार है, इसलिए स्वच्छता मुहिम के लिए जागरूकता जरूरी है। पतित पावनी गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। हालांकि जन भागीदारी के बिना स्वच्छ गंगा का सपना साकार होना मुमकिन नहीं। इस दिशा में कई लोग जागरूक हुए हैं और गंगा की स्वच्छता में अपना अपना योगदान कर रहे हैं। इन्हीं में शामिल हैं IIT रुड़की के प्रोफेसर और छात्र। संस्थान के एक दल ने गंगा की सफाई का अभियान इसके उद्गम स्थल गौमुख से शुरू किया। दल के सदस्यों ने गंगोत्री से ट्रैकिंग शुरू कर गौमुख तक सफर तय किया। इस बीच उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांवों में लोगों को स्वच्छता और निर्मल गंगा के प्रति जागरूक भी किया। IIT रुड़की के इस दल ने 13,000 फीट पर स्थित गौमुख में पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान दल के सदस्यों ने गौमुख और आसपास के क्षेत्रों में फैले कचरे को इकट्ठा किया। हमारा ये मिशन है माउंटेन को क्लीन करना, जो पर्वत है और हमारा जो सोर्स है, पवित्र सोर्स है पवित्र गंगा का गौमुख, इसके बीच में हम लोगों को पता लगा है कि बहुत सारे प्लास्टिक और ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं जो इकट्ठा होकर पड़े हुए हैं। तो एक पर्पस है हमारा कि इसको क्लीन किया जाए और ला करके प्रॉपरली इसको डिस्पोज अप किया जाए और पब्लिक के बीच में अवेयरनेस जगाई जाए। मैं और दूसरे IIT से अपील करता हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन विथ अस विथ दिस नोबल काउज। गौमुख में 2 दिनों तक सफाई अभियान चलाया गया। दल में शामिल छात्रों ने कहा कि स्वच्छता हर किसी की जिम्मेदारी है और सभी को स्वच्छता अभियान में योगदान देना चाहिए। हम ट्रैकिंग तो करते हैं, साथ में हम ये भी ख्याल रखते हैं कि हम अपने पहाड़ों का सुरक्षा करें। आजकल के जैसे चल रहा है सिनेरियो, लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, सबको घूमना काफ़ी पसंद है, आते हैं होली प्लेसेस पे, आते हैं गंगोत्री जैसे वन ऑफ द होली प्लेसेस है, वहाँ पे आके लेकिन कचरा फैला देते हैं। लोगों को सेंस नहीं है कि इस कचरा फैलाने की वजह से वो इन्वायरमेंट में खुद का भी हार्म कर रहे हैं। अभी तो इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है लेकिन धीरे धीरे इन्वायरमेंट नष्ट होगा तो वो हमें भी नष्ट कर ही देगा। अगर हर कोई अपने अपने स्तर पर गंगा की सफाई और स्वच्छ भारत के लिए कार्य करे तो भविष्य में निर्मल और स्वच्छ गंगा का सपना जरूर साकार होगा। पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश भर में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक संदेश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज़ादी में उनका योगदान अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के इस अमर सेनानी पर हमें गर्व है। उधर कोटद्वार में पेशावर कांड के नायक की पुण्यतिथि पर नशे के खिलाफ और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मुहिम के तहत एक मैराथन दौड़ का आयोजन
किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, विधायक दिलीप रावत और मुकेश कोहली ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। यह मैराथन दौड़ कोटद्वार के प्रेक्षागृह से शुरू होकर BEL रोड से दुर्गापुरी चौक होते हुए वापस प्रेक्षागृह में सम्पन्न हुई। इसमें केन्या के स्टिफ ने विजयी रहे, उन्हें 31,000 नकद और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आज युवाओं को नशे से दूर रखने की जरूरत है। आम नौजवान, आम बहने और बच्चा भाग लेगा, स्वाभाविक ही उसका शारीरिक विकास भी होगा और स्वच्छता भी रहेगी जलजीवन अभियान के तहत, और फिट भी रहेगा। आज के समय फिटनेस भी जरूरी है, जिस प्रकार एक बच्चों में गलत भावना है और मदरा पान ये गुटका एक ये जो चल रहा है और बच्चे से शुरुआत विद्यालय में जो दिखता है उसकी और ये जन जागरण का वो है, उससे वो छूट पाए, छुटकारा पाए। वहीं कार्यक्रम के संयोजक ऐश्वर्य राज गौरव नौटियाल ने कहा कि मैराथन दौड़ का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ ही प्रधानमंत्री के फिट इंडिया विजन को साकार करना है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है, फिट इंडिया का नारा, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को फिट रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने कोटद्वार में गढ़वाल मैराथन का आयोजन किया। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और यह आयोजन इस प्रकार का पहला आयोजन है। पहली बार कोटद्वार में मैराथन का आयोजन हुआ। हम लोगों की कोशिश है कि इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को उचित मंच दिया जाए और कोटद्वार को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल मानचित्र पर स्थापित किया जाए। चमोली जिले में गांधी जयंती के अवसर पर खेल विभाग द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें हर वर्ग के लोगों ने भारी संख्या में प्रतिभाग किया। क्रॉस कंट्री में प्रतिभाग को लेकर बच्चों में काफी उत्सुकता देखी गई। खेल विभाग ने बताया कि क्रॉस कंट्री में 600 बच्चों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि जिला कोषाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार बांटकर उनका हौसला बढ़ाया। चमोली द्वारा जनपद स्तरीय क्रॉस कंट्री का आयोजन गांधी जयंती के अवसर पर किया गया, जिसमें फिट इंडिया के तहत बच्चों ने प्रतिभाग किया और इस प्रतियोगिता में कम से कम 600 बच्चों ने प्रतिभाग किया। 7 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक वर्ग में 7-7 प्राइज बच्चों को दिए गए और लॉटरी के माध्यम से भी बच्चों को प्राइज दिए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज नाम के नए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक स्मृति डाक टिकट का भी विमोचन किया। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 7500 करोड़ रुपए से 46 लाख उपचार दिए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणालियों में नवाचार और नए सुझावों को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रतियोगिताओं की घोषणा की है। उद्यमीय कंपनियां, स्टार्टअप और समान उद्यम, विभिन्न समूह और आम लोग भुगतान और निपटान प्रणाली नवाचार प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। वहीं अंडर ग्रेजुएट या उच्च स्तर की योग्यता रखने वाले विद्यार्थी भुगतान और निपटान प्रणाली नवाचार सुझाव प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। चुने गए प्रतिभागियों को विशिष्ट चयनकर्ताओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। उत्कृष्ट नवाचारियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता का विवरण वेबसाइट www.idrbt.ac.in पर उपलब्ध है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर 12 जिलों में की प्रेक्षकों की नियुक्ति। वहीं देहरादून जिले के चकराता ब्लॉक में एक दिन पहले रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 11 जगह की छापेमारी। सहारनपुर में खनन के पट्टों में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच एजेंसी ने मारा छापा।
आईआईटी रुड़की के छात्रों का दल पहुंचा गौमुख, लोगों को स्वच्छता और निर्मल गंगा के प्रति किया जागरूक। वहीं रुड़की में ट्रेन की पेंटिंग बनाकर स्वच्छता की मुहिम को बढ़ाया जा रहा आगे। पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि आज, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि। वहीं कोटद्वार में मैराथन दौड़ का भी हुआ आयोजन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।